अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। मृत्यु निश्चित है, जब होनी होगी तब ही होगी। असंभव को संभव बनाने वाले ही वीर कहलाते हैं। मुझे देशद्रोह पसंद है, लेकिन देशद्रोही से नफरत है। पुरुष स्वेच्छा से विश्वास करते हैं कि वे क्या चाहते हैं। मेहनत से सोए हुए भाग्य को भी जगाया जा सकता है। आंख बंद करके विश्वास करना जहर पीने जैसा होता है। युद्ध में महत्व की घटनाएं तुच्छ कारणों का परिणाम है। सीखने से अच्छा निर्माण करना है। निर्माण जीवन का सार है। अपने शौर्य के ऊपर एक व्यक्ति संपूर्ण विश्व पर राज्य कर सकता है। मैंने कुदरत और यश दोनों को संतुष्ट करने के लिए बहुत जी लिया है। कायर अपनी मौत से पहले कई बार मरते हैं और बहादुर सिर्फ एक बार। हार और दुख जिंदगी के एक कटु सत्य है। इनके साथ जिंदगी जीना सीखो। कोई भी इतना बहादुर नहीं है कि वो किसी अप्रत्याशित चीज से परेशान ना हो। आदमी उस चीज पर जल्दी विश्वास कर लेता है जो वो आशा करता है कि सच हो। भविष्य के सितारों के बिगड़ने पर उन्हें वर्तमान के परिश्रम से सुधारा जा सकता है। यह संपूर्ण विश्व मानव जाति की धरोहर है और यहाँ सुशासन और शांति ही हमारा लक्ष्य है। शत्रु को मानसिक और आर्थिक इतना तोड़ दो कि वो तुम्हारे खिलाफ उठने की सोच भी न सके। ताकत से शासन नहीं हो सकता। सफल शासन के लिए ज्ञान और विवेक की आवश्यकता होती है। सफल व्यक्ति दूसरों से खुद का आकलन नहीं करता, बल्कि दूसरे उससे अपना आकलन करते हैं। एक सफल राजा को उसके देशवासियों का विश्वासपात्र होना चाहिए। इससे देश का विकास होता है। मनुष्य तभी तक सुखी महसूस कर सकता है जब तक उसके भाई और कुटुंबी उससे अलग नहीं हुए हैं। शासन सत्यता से ही करना चाहिए, पर राजनीति में कुटिलता का समावेश ही शासन को सफल बनाता है। वीरों की पूजा सारा विश्व करता है, क्योंकि वो डर को जीतकर अपने मार्ग पे अडिग रहते हैं और सफल हो जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति ताकत से ही शासन कर सकता है। सफल शासन के लिए आत्मविवेक और ज्ञान चाहिए। जीतने का प्रयास करो, पर लालच नहीं। खुद पर भरोसा रखो, अहंकार नहीं। समय पर निशाना साधो, पर इतंजार नहीं। शत्रु को इतना निर्बल बना दो कि वो तुम्हारे खिलाफ उठने की सोच भी न सके, नहीं तो उसका सर्वनाश ही उचित है। अपने आत्मबल और अत्यंत ऊंचे आत्मगौरव के कारण ही रोमन साम्राज्य ने सारे विश्व पे अपना विजय पताका फहराया है। इस पृथ्वी के समस्त खंडों को एक अकेला वीर भी अपने पराक्रम और विवेक से एक कर सकता है। कुछ भी बड़ा नहीं होता। झुकना मनुष्यता का स्वभाव नहीं, शिष्टता है। इसे लाचारी समझकर अवहेलना करने वाला समय के मार से खुद झुक जाता है। एक मनुष्य को अपने देश प्रेम और देश के विकास में कोई कमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिना देश के विकास के नागरिकों का भी विकास नहीं हो सकता।